यशोमती मैया के नंदलाला। परमानंद, तुमने जितना बताया था ये उत्पाद उससे कहीं अधिक प्रसन्नता के योग्य है। महाराज, मैं प्रसन्न हूं। ये अपना सारा दूध, दही, घी, माखन और अपना सब कुछ तुम्हें देने का वचन दे चुके हैं। महाराज, अगली बार की अग्रिम धनराशि मिल जाती तो। अग्रिम धनराशि? तुमने इन्हें अग्रिम धनराशि नहीं दी क्या परमानंद? दी थी, वो इस बार की थी। अगली बार की? इस बार, उस बार, कितनी बार? वो अग्रिम धनराशि अवश्य थी और आंशिक नहीं, पूरा भुगतान था वो। अब तुम सबको बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी, माखन, अपना सब कुछ लेकर मथुरा आना होगा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? यही तो तय हुआ था हमारे बीच, और आप लोगों ने तो नारायण को साक्षी मानकर शपथ भी ली थी। नहीं नहीं महाराज, ये तो असत्य है। व्यापारी जी सही बात ना बता रहे हैं। महाराज आप स्वयं विचार करो, जीवन भर के दूध, दही, घी, माखन का मूल्य इतना कम कैसे हो सकता है भला? ये तो नारायण की शपथ लेने से पहले सोचना चाहिए था। महाराज, महाराज ये अन्याय है महाराज। इतना दुस्साहस! मेरे ही महल में, पूरी राज्यसभा के सामने मेरे विश्वास पात्र पर और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? वो गर्पण करने के बाद थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। नारायण को भूख खाने तो दो। पर तुम तो नारायण नहीं हो। लल्ला, लल्ला जी, तूने क्या करो? क्षमा कीजिएगा महाराज, भूल मेरी है महाराज। बात यह है कि जब से इसे पता चलो कि आज एकादशी है, तब से जे नारियल के लड्डू मांग रहा था, वो समय के अभाव के कारण मैं ना दे पाई। मैं दूसरे नारियल और गुड़ ले आती हूँ। तू इतना भी अपने मन को ना रोक सकता ना लल्ला? कही थी ना महाराज के जाने के बाद बना दूंगी लड्डू। जानकी, शीघ्र दूसरा नारियल कस के ले आ और गुड़ भी। ठीक है, जब कोई घर में आतो है तो ऐसा व्यवहार अच्छा लगता है क्या? मैंने क्या करूं मैया? मैंने क्या करूं मैया? इससे तो बड़ा सयाना बनतो है, हाँ? और आज कभी महाराज के हाथ में लोटा दे रो है, कभी इतने बड़े ब्राह्मण देवता को ज्ञान दे रो है, और अब भोग का लड्डू भी खा गो। चुपचाप यहाँ सांधी से बैठ जा और हिलियो मती। कोई बुलाए तो भी ना जाऊं? कोई बुलाए तो वो अन्य बात है लल्ला, उससे पहले हिलियो भी मती। हाँ नहीं तो भाभी जेली। जानकी ध्यान रखियो, जे जाए ना यहाँ से। ओ मैया की पहरेदार, ऐसे क्या देख रही हो? तुझे ही देख रही हूँ। पहले सतानी करतो है और फिर ऐसे सीधा बनतो है, ऐसे कछु किया ही ना हो तूने। सीधा ही तो हूँ मैं। अच्छा, सब पता है मुझे तेरी चलाकी। बातों में फंसा कर यहाँ से निकल जाना चाहतो है ना? ना ना, मैं अपनी मैया का आज्ञाकार हूँ। जब तक कोई बुलाएगा ना, यहीं बैठे रहूंगा। चाहे लड्डू खाने का कितना भी मन क्यों ना करे,
विलंब के लिए क्षमा प्रभु। ये बालक अबोध है, बातें बड़ी बड़ी करता है परंतु नहीं जानता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। पधारिये प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। पधारिये प्रभु, पधारिये, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। जानकी तुम्हें सुनना, वो मुझे बुला रही है। कोई ना बुला रहे हुए, चुपचाप बैठे रहे ना तो तेरी मैया मुझे डांटेंगी। पधारिये प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। मैया ने कही थी कोई बुलाए तो जा सकते हूँ, और महाराज केवल बुला रही ना रहे बल्कि भोग ग्रहण करने की विनती भी कर रहे हैं। पधारिये प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। वैसे एक बात कहूँ, हाँ, तुम्हारे घर का माखन बहुत स्वादिष्ट था। तो तू स्वीकार कर रहे हुए कि तू मेरे घर चोरी करने आया था? हाँ। जसोदा भाभी, देखो इसने मान लियो कि जो चोरी करने आया था। जी काकू। अरे हे नारायण, इसने तो फंसा दिया मुझे। भोग चढ़ाते तो भगवान को ठीक से खाने का समय क्यों नहीं देते? भक्त अब इतनी संघर्ष रखना भी कठिन होगा। बड़ा शरारती बालक है ये, फिर आ गया नारायण की इच्छा से। मैं तो आपकी इच्छा से आई हूँ। अब जब बुलाते हो महाराज तो थोड़ा समय दिया करो भोग ग्रहण करने के लिए। मैंने तुम्हें कब बुलाया? अभी तो पुकार लगाई थी, आओ भोग ग्रहण करो। अविश्वसनीय, कैसा मूर्ख बालक है ये। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नारायण हो? जे भीतर कैसे आए हो? उठ 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 लल्ला। आ मैया, मैंने मना किया था ना वहां से उठने को। पर मैया आपने तो कही थी कोई बुलाए तो जा सकता हूँ मैं। मैं इनके बुलाने पे ही यहाँ आई हूँ। पर मैंने तो श्री नारायण का आवाहन किया था। मैया कहती है छोटे बालक श्री नारायण का रूप होते हैं। कान्हा, आज तो अति कर दी तूने। महाराज का अनुष्ठान पूरा ना होने देखो तू। रहने दीजिए नंदराज, मैं ही जाता हूँ। अपना अनुष्ठान गांव के मंदिर में पूरा कर लूंगा। ऐसा मत ही करो महाराज, आप अनुष्ठान पूरा किए बिना चले जाओगे तो हमें बहुत पाप लगेगा। हाँ महाराज, आप जैसे ब्राह्मण देवता की सेवा हम ना कर पाए तो हम पर कलंक लग जाएगा। आप अपना अनुष्ठान यहीं संपन्न करें, मैं संभालूंगा इसे। मैं ध्यान रखूंगा कि आपके अनुष्ठान में कोई विघ्न ना पड़े। मैं अभी दूसरी सामग्री लेके आती हूँ।